नमस्कार। तो आज हम लोग आपको अपने लेक डिस्ट्रिक्ट ट्रिप का डे टू का वीडियो दिखाएंगे। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम उसमें यॉर्कशायर डेल्स गए थे, इस बार लेक डिस्ट्रिक्ट गए। काफ़ी अच्छा मौसम था। इनफैक्ट निकलने से पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था बारिश, पर जब हम लोग अपना ट्रिप शुरू किए तो काफ़ी सनी वेदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा था। हम लोग बस आई थिंक 3 घंटे ड्राइव करके लेक डिस्ट्रिक्ट पहुँचे होंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। ड्राइव करके हम लोग अपने होटल पहुँचे। वी आर अबाउट टू चेक इन टू द होटल, और कोविड टाइम्स था तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। चेक इन करने के बाद हम लोग ऐसे ही छोटे ट्रिप पे निकले। और रास्ता इतना खूबसूरत हो तो ऐसी जगहों को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस एक लॉन्ग या शॉर्ट ड्राइव पे निकल जाओ और आपका दिन बन जाता है। एकदम पहाड़ हरे भरे और जंगल ही जंगल पहाड़ के ऊपर हाइट पर, बहुत ही मस्त नज़ारा होता है। फिर उस दिन अगली सुबह हम गो एप 3 टॉप चैलेंज पे के लिए गए। इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर और फन होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी खूब धुलाई हुई है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाते हैं ऑब्स्टिकल्स पास करके, बहुत ही फन होता है। यू कैन चेक यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट। एंड देन वी वर दैट नाइट, हाँ। और फिर अगले दिन हम फिर से बाहर निकले और गए बोट हायर के लिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप वीडियोस में देख सकते हो बहुत ही गहरा पानी है। ऑफ कोर्स इट्स अ लेक डिस्ट्रिक्ट एंड दीज आर ऑल लाइक ह्यूज नेचुरल लेक्स, और इट्स जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन लेक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं बोट हायर के लिए। और हमें काफ़ी देर तक इंडिपेंडेंटली ऑप्शन था हमारे पास कि हम हायर करके दूर दूर घूमने जाएं, और हमने खुद से ड्राइव भी किया। After the boat hire session, we went to the local market area, tried local cafe, local food, and did some shopping, and we called it a day. और अगले दिन after the boat ride, we went to a destination where there is a big waterfall. I think उसका नाम आयरा waterfall था। काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी हाइट से पानी गिर रहा था वहाँ पे। पर रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था वहाँ जाने का। थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा था ड्राइविंग करना, क्योंकि रोड काफ़ी पतला था और सामने से गाड़ी अगर कोई आते थे, जैसे अभी आ रही है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता था। पर इतना भी बुरा नहीं था चलाना, काफ़ी मज़ा आ रहा था। आई वुड प्रेफर इट एनी डे कम्पेयर टू लंडन रोड्स। और फिर हम पहुंच गए वाटरफॉल, एक नेचुरल वाटरफॉल विथ नेचुरल, नॉट वन एक्चुअली, मोर देन वन नेचुरल रेनबोज ऑन टॉप ऑफ इट। बहुत ही मस्त नज़ारा था। और लॉकडाउन होने के बाद जो हम नहीं घूम पाए थे, उसकी सारी कसर निकल गई थी इन 5 दिनों में।
because it was our last day in Lake District. And again, weather was superbly nice against the weather forecast, which was rainy. But the sun was out, and we did a bit of trekking and walking. बहुत ही मस्त नज़ारा था. चारों तरफ हरियाली हरियाली और बिल्कुल सूदिंग एंड स्ट्रेस बस्टर. और फिर ऐसे कलरफुल रेड ऑरेंज ब्राउन ग्रीन येलो गोल्डन पेड़ और पौधों के बीच में हम थोड़ी सी वॉक करते हुए आगे बढ़े, और आगे चलकर हमें एक बहुत बड़ा प्यारा सा नेचुरल लेक देखने को मिला. ये आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ और इनके बीच से थोड़े थोड़े पानी ऐसे छोटे छोटे रिवर्स जैसे जाते रहते हैं. यही बाद में जाकर वाटरफॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे ढेर सारे मिलकर. जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने दिखाया था नेचुरल वाटरफॉल्स इनसाइड माउंटेंस कैसे होते हैं केव्स के अंदर. और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस लेक के नज़दीक जाया जाए, और फिर हम नीचे उतरकर इस लेक के पास गए. और यहाँ पर एक पोर्ट सॉर्ट ऑफ कुछ था सेटअप, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना झंडा भी लगा रखा है. और बहुत ही ठंडी हवाएं थी वहाँ पर, इट वाज लवली. और यहाँ पर हमने अपना लेक डिस्ट्रिक्ट का ट्रिप एंड करा, एंड आई थिंक इट वाज अ लवली पॉइंट टू डू दैट. काफ़ी सारी मेमोरीज इकट्ठा करके जो आपसे शेयर कर रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल. और पानी में उठ रहे लहर को देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितने ज़ोर से हवा चल रही थी उस वक्त. और here we mark the end of this Lake District and Yorkshire Dales trip. It was a lovely experience, and after quite a few months of lockdown. And yeah, so here we mark the end of this trip. Thank you for watching. Thank you for your time. Stay connected, guys. We would love to share more.